ये लोग को धोखा देने लिखना और मजबूत संगठन है और अपने आदर्शों अपने सिद्धांतों हमेशा काम करती है और हमारे मानी जाती है। एक मिनट लगे बस थोड़ी देर। अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी साथी बैठ जाएं करके यहीं बैठ जाएं। हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी मुख्यमंत्री तथा साहब जिंदाबाद 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 हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान कुलभूषण गोयल जी, हमारे सैलों के प्रधान और सारे पंचकुला जिला के सारे कार्यकर्ता और ऑफिस में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में यहां पर पधारे आए हैं। आप सबको मालूम है हमें सब लोगों को उन्हीं का इंतजार है मार्गदर्शन का कि हमें पार्टी को आगे जो भी दे। पंचकुला आए हैं मकसद क्योंकि कार्यकर्ता काफी आपकी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन मजबूत हो साथियों यहीं बैठे हैं इसकी बुनियाद कार्यकर्ता सम्मान प्रदान कर रहे हैं, उनका सहयोग और समर्थन जुटा रहे हैं। चुड़ाल साहब मोदी जी आए हुए थे आज हरियाणा के अंदर, कैसे देखते हैं उनके दौरे को? लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव के हिसाब से आए होंगे मुझे तो पता नहीं। एक ऑन कार्ड्स थोड़ा सा बात आ रही है, अफवाह है मार्केट के अंदर के इनेलो का कहीं ना कहीं गठबंधन की कोशिश हो रही है भाजपा के साथ। चुनाव जब होते हैं राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन बसपा से टूट गया, टूटते रहते हैं जुड़ते रहते हैं। एक हम देख रहे थे अभी कि वक्ता जितने भी आए स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं खौफ नजर आया जेजेपी को, वक्ताओं की आवाज में किसी को खौफ आया है? हमें किसी को कोई खौफ नहीं। लेकिन दोनों आपके परिवार हैं, हमारी परिवार की पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, पौधे को सींचना और उसके फल लोगों को मिले इसके लिए हमारी फाइनली। चुड़ाल साहब अम्बाला से जो लोकसभा के कौन से उम्मीदवार होंगे आपके इनेलो की तरफ से? चुनाव घोषित होंगे उसके बाद पार्टियों के टिकट का वितरण होगा जी, जो मैं कैसे कह सकता हूँ आज ही के आपका मन है क्या लड़ने का? नहीं, संभावित उम्मीदवार कौन है अम्बाला से अभी? संभावित उम्मीदवार कौन है अम्बाला से ये? मैं ये पूछता हूँ आपका मन है क्या, आप कैसे संभावित कैसे होगा जब तक चुनाव घोषित नहीं होंगे तब तक टिकटों का फैसला कैसे होगा? मान फूटने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने जानदार हैं, उन्होंने मेहनत के बलबूते पर संगठन को और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, मेरी गैर हाजिरी में भी हमारा संगठन पहले से मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हुआ। अब आपने पंचकुला की टिकट पत्रकार को दे देनी है।